Hello everyone, this is Chinmay from Trading Cafe India. Well guys, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं when you are going to trade on Nifty and Bank Nifty and which are the particular days when you need to skip the trading in indexes, especially as an option buyer. So without wasting any time, let's get started. Now guys, अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। वेल, अगर मैं कल की बात करता हूं तो एग्जैक्टली ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन में क्या हो रहा है, अच्छे खासे गैप अप के बाद में मार्केट फुल टाइम इसी रेंज में टाइम पास कर रहा है, यानी एक अच्छा खासा ओपनिंग रेंज क्रिएट हो रहा है। अगर आपने अभी तक मेरी परसों वाली वीडियो नहीं देखी जहां पे मैंने ये क्लियरली बताया कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड कैसे लिए जाते हैं, तो वहां पे मैंने कंसेप्ट समझाई है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हो तो एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन में हमें क्या दिख रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब देखिए, जितना टाइम मार्केट उस पर्टिकुलर जोन में टाइम पास करेगा उतनी अच्छी बिल्टअप्स बनते हैं, यानी अगर मार्केट में किसी प्लेयर्स को मार्केट को अपसाइड लेके जाना है या कहीं पे भी मार्केट को डाउनसाइड आना है तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा क्रिएट होते दिखता है। अब देखिए, जब भी कभी मुझे एज अ ऑप्शन बायर मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करना है, मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन प्लस डेटा, इसका एक आइडियल कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर जोन की तो मुझे एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट मोर देन 2 आवर्स अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब फर्स्ट टाइम नियर दिस जोन दैट इज समवेयर अराउंड 1 PM हमें फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेकआउट दिख रहा है। अब देखो, जब भी आपको कभी प्राइस एक्शन बेस्ड ब्रेकआउट दिखता है, जनरली लोग क्या करते हैं, नीचे में देखते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम है क्या, कोई वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट हो रहा है क्या। अगर आप आइडियल चार्ट एनालिस्ट हो या फिर आपने अभी अभी चार्ट पे कुछ स्टडी स्टार्ट किए हो और बॉटम में अगर आप वॉल्यूम्स के साथ में उसके कंफर्मेशन ले रहे हो, मेक श्योर करो कि 5-5 मिनट के या 3-3 मिनट के ब्रेकआउट देखते हो और सडनली आपको वॉल्यूम में स्पाइक दिखता है तो नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, वो वहां पे सस्टेनेबल काम करेगा। जब भी कभी वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं, दिस इज नथिंग बट द ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, इट विल नेवर इंडिकेट यू दैट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द बायर। अगर ऐसे जोन में मुझे कहीं पे भी ब्रेकआउट दिख रहा है तो मेरा फर्स्ट एजेंडा ये रहेगा कि मैं चेक करूं क्या ये बायस बेस्ड ब्रेकआउट है। तो गाइस, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि कल टेलीग्राम पे जब मार्केट ने इस तरीके का ब्रेकआउट दिया था तो मैं किस तरीके का एनालिसिस वहां पे कर रहा था। सो गाइस, अभी हम स्टॉक आइडियाज बाय TCI, ये हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल पेज पे, अभी अगर आप देखोगे तो सेम इमेज मैंने यहाँ पे शेयर की थी। अगेन क्या हो रहा है, अच्छा खासा गैप अप हुआ है और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज है। अब मैंने क्वेश्चन किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर जोन में क्या हमें ये ब्रेकआउट देखना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पे बाय बोला था, मैंने यहाँ पे सेल बोला था, उसके बाद ये मूव आई, राइट? हमें ये नहीं करना है, हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट अच्छा जाएगा, अगर जाएगा तो इसके पीछे एनालिसिस क्या होनी चाहिए, राइट? अगर मैं ये देखता हूँ कि एग्जैक्टली उस जोन में क्या हो रहा था, दैट मीन्स फ्रॉम 1055 टू 1255, अगर मैं देखूं उस पर्टिकुलर जोन में, यहाँ पे मुझे अच्छे खासे रेड बार दिख रहा है, अपसाइड रेड बार दिखना, यानी यहाँ पे अभी भी बीएस का प्रेशर मेंटेन है। मैं बात कर रहा हूं जब आपको अर्ली साइन ऑफ ब्रेकआउट दिख रहा है, हम ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन लेते नहीं है, हमें ब्रेकआउट के टाइम पे ये देखना होगा कि उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन में क्या हो रहा है। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ओवरऑल अभी भी अच्छे खासे बीएस सिस्टम में एक्टिव दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ एज अ ऑप्शन बायर, मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ टाइम पे आपको डिफिकल्टी फेस होगी जब आप प्योरली प्राइस एक्शन बेच जाते हो, छोटे स्टॉप लॉसेस लगा देते हो और मार्केट ब्रेकआउट के बाद आपको हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री दे देता है और जैसे ही आप एंट्री ले लो मार्केट रिवर्स हो जाता है। वेल, एग्जैक्टली इस टाइम फ्रेम पे अगर मुझे डेटा करेक्ट नहीं लग रहा है या फिर डेटा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे अपनी बाइंग होल्ड करूंगा। अगेन क्या हुआ, मार्केट में इसी जोन में हार्डली 150 पॉइंट्स की मूव आई और उसके बाद में एक शार्प रिवर्सल आया और मार्केट उसी जोन में क्लोज हो गया। वेल, दैट इज द पावर ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट डेटा एंड प्राइस एक्शन अलाइन। तो समझते हैं आज के दिन में क्या हो रहा है। अब दोस्तों, हम फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी देख रहे हैं। कल क्या हुआ, जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, हार्डली 150 पॉइंट्स की मूव आई और उसके बाद में मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल ले लिया, यानी कल के दिन में बीएस ने उन पर्टिकुलर जोन को अभी तक डिफेंड रखा है। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको ट्रैपिंग कहाँ हो रही है देखनी है और ट्रैपिंग का बेस्ट एग्जांपल आपको अर्ली मॉर्निंग दिखता है। तो अब अर्ली मॉर्निंग क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट खुला फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट ने वो हाई को अप्रोच किया है। अब देखो, जो भी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है ये क्या करेंगे, मार्केट में अपनी पोजिशन डिफेंड करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट आया और एक शार्प कैंडल आई। अब देखो ये पर्टिकुलर कैंडल आज के दिन का हाई बना रही है, कल के दिन के हाई के ऊपर है। अब जो भी फ्रेश सेलर्स है जिनको मार्केट में सेलिंग करनी है वो भी डायलेमा में है कि मैं अपनी पोजीशन होल्ड करूं। यस्टरडे जिसने किसी ने सेलिंग की थी और थोड़े बहुत प्रॉफिट में होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर्स जो रहते हैं वो ठीटा टीके की वजह से थोड़े प्रॉफिट में रहते हैं, तो उनको भी अपनी पोजीशन डिफेंड करनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जैसे ही एक फ्रेश स्ट्रॉन्ग कैंडल लगा देता है आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये हो गई हमारी प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमको डेटा कंफर्मेशन लेनी है, तो फिर से चलते हो देखते ट्रेड कोड में एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या हो रहा है। गाइस मुझे मार्केट में फर्स्ट 20-25 मिनट्स में ये क्लियर ब्रेकआउट दिख जाता है, तो अब मुझे डेटा क्लैरिटी लेनी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उस पर्टिकुलर जोन को सिलेक्ट करूंगा, दैट इज समवेयर अराउंड 9:45 एग्जैक्टली मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है हम चेक करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ बैंक निफ्टी पे। अब जैसे ही मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ मुझे कुछ डेटा दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल मुझे इतना ही देखना है कि मार्केट में क्या ग्रीन कैंडल सबसे ज्यादा है या अभी भी डोमिनेशन रेड कैंडल्स यानी सेलर्स की तरफ से है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि नीचे में समवेयर अराउंड 42,800-900 की तरफ अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। और ओवरऑल आज की एक्सपायरी यानी मंथ एंड एक्सपायरी में टिल 9:45 किसका सबसे ज्यादा बोलबाला है, तो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि बुल्स अब मार्केट में डोमिनेंट पोजिशन में। अंडरस्टैंड, कल के दिन में लास्ट लेग में एक सेलिंग आई है यानी सेलर्स वहां पे एक्टिव है। आज मार्केट में हल्का गैप अप होने के बाद में मार्केट तेज ऊपर निकल जाता है, कल के रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देता है, एक स्मॉल रिट्रेसमेंट के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है, यानी प्राइस एक्शन बेस्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एट द सेम टाइम आपको डेटा कंफर्मेशन भी मिल रहा है। गाइस एट दिस पर्टिकुलर टाइम अ गाय लाइक मी विल थिंक अबाउट गोइंग फॉर ऑप्शन बाइंग। अब जो कि आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाइंग इनिशिएट करनी है, हियर्स अ वन स्मॉल टिप, जब भी आप एक्सपायरी डे पे एक्सपायरी के साथ में ट्रेड कर रहे हो यानी उसी पर्टिकुलर एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इन द मनी कॉल ऑप्शन के साथ बाइंग कीजिएगा, ना कि एट द मनी, और आउट ऑफ द मनी तो हमको बिल्कुल नहीं जाना है। अब जिसको भी ये थीटा का गेम नहीं पता, जो कोई फ्रेश ट्रेडर्स है, मेक श्योर करो आप जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो थीटा को आपके अगेंस्ट ना जाने दीजिए। मार्केट में ऑप्शन में कॉन्स्टेंटली प्रीमियम डिके हो रहे होते हैं और एक्सपायरी के दिन वो और तेज हो रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे सेफ ट्रेडर नेक्स्ट एक्सपायरी के थ्रू भी जा सकते हैं और वहां के एटीएम ऑप्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि जहां पे भी एक तेज बाइंग आती है और आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और कन्विक्शन के साथ होल्ड करनी है, यानी मार्केट में स्मॉल अप डाउन मूव आ रहे हैं लेकिन थ्रू आउट द डे अगर आपको मार्केट ट्रेंडिंग दिखता है और उसका बेनिफिट लेना है तो प्राइस एक्शन प्लस डेटा दोनों का कंफर्मेशन लीजिए। वेल आई होप गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थ्रू प्राइस एक्शन एंड डेटा, आई होप आपको अब इसके बारे में और क्लैरिटी आ गई। अगर एज अ ऑप्शन बायर या इन जनरल प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको इस वीडियो से हेल्प होने वाली है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।